खरगोन जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्कूल की मान्यता नियमावली में विसंगति को लेकर स्कूल संचालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर कार्यालय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से संचालकों ने मान्यता की अवधि 2 वर्ष की बजाय वापस 5 वर्ष करने की बात कहते हुए बिंदुवार अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मीडिया चर्चा में मनमोहन सिंह चावला ने बताया कि पूर्व में चली आ रही स्कूलों में मान्यता के अनुरूप संशोधन करने में काफ़ी कठिनाई होगी, जिसके लिए मानक स्तर पर हमारी मांगों पर विचार किया जाए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये पूरे मध्य प्रदेश में जो परेशानी है उसके हम इस जिले में भी उसी माध्यम से उन्हीं समस्याओं को लेकर यहाँ मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी समस्याएँ जो हैं ये हैं कि 1 एकड़ ज़मीन की इन्होंने बाध्यता कर रखी कि 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए स्कूल प्रीमाइसेस के लिए। हमारा ये कहना है कि वो बाध्यता समाप्त की जाए, क्योंकि स्कूलें काफ़ी पुराने समय से चल रही हैं और ये इसी शासन ने उन्हें मान्यता दी हुई है कम जगहों पर भी। अब इस समय वो करना उचित नहीं होगा। दूसरी हमारी है कि हमारी जो मान्यता शुल्क और संबद्धता शुल्क है ये पहले 1 लगता था, अब ये आजकल ये दोनों ले रहे हैं, तो 1 ही शुल्क किया जाए, ये बिना मतलब 2 शुल्क नहीं दिए जाए। फिर मान्यता की जो अवधि थी हमारे को 5 वर्ष के लिए मान्यता दी जाती थी, मान्यता की अवधि 5 वर्ष के लिए की जाती थी, अभी 2 वर्ष के लिए कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्ष के लिए करते हुए वही पूर्ववत 5 वर्ष की जाए। ये रजिस्टर्ड किरायेनामे के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, किरायेनामा भी दिया जाए तो उससे उसके मान्यता में कोई अंतर नहीं आना है। ये RTA के छात्रों को भुगतान समय पर हो, उनके भुगतान कुछ समय पर नहीं हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं, कभी कभी 2-2 साल भी हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उन्हें समय पर हो तो उनके भी जो आर्थिक है उनकी पूर्ति समय पर हो जाए और वो आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। ये RTI के कुछ पालकों द्वारा जो हैं जो कुछ चतुर होते हैं वो 2-2 स्कूलों में भी भर्ती कर लेते हैं और 2-2 स्कूलों से उसका जो फ़ायदा है जो सुविधाओं का लेते हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए और ये 2 सुविधा उनको 2-2 स्कूलों की सुविधा नहीं मिले, 1 स्कूल की सुविधा मिले। ये RTI के पालकों की जो धोखाधड़ी होती है वो APL के कार्ड उनके पास होते हैं लेकिन वो BPL के बना के और ये करते हैं, तो ये इस पे नियंत्रण रखा जाए कि जिनके पास जो कार्ड हो वो अगर वो APL है या BPL जो है वो 1 ही कार्ड हो, तो जिस की उनको पात्रता है वही कार्ड हो तो उचित होगा। ये मान्यता लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे कितने बिंदु हैं? बस हो गया। बस बीमा कम होना चाहिए। ये जो बसों का जो है स्कूल की जो बसें हैं उनका बीमा भी जो प्राइवेट बसों जैसा ही लिया जाता है, उसके बजाय स्कूल की बसें जो हैं थोड़े से ही उसमें चलती हैं, दूरी पर चलती हैं और कम समय पर चलती हैं, तो उनका कम किया जाए। और अगर शैक्षणिक कामों के लिए अगर 1 दिन के लिए टूर पर अगर कहीं जाते हैं शैक्षणिक बसें, तो उनसे भी 1 महीने का शुल्क लिया जाता है बीमा, और शुल्क तो वो नहीं लिया जाए, उनको वो 1 ही दिन का लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। के बैनर तले यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जो हमें मान्यता एवं RTI और बस परमिट्स की समस्याएं हैं उनको लेकर हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। मान्यता को लेकर जो विसंगता है जो पहले 5 साल की हुआ करती थी अब वो 2 साल ही दे रहे हैं और 2-2 जगह हमें संबद्धता शुल्क और मान्यता शुल्क देना होती है, इसका हम विरोध करते हैं और 1 ही जगह से हमको मान्यता शुल्क देना पड़े, यह प्रशासन से निवेदन है। स्कूल बसों में सुरक्षा व्यवस्थाएं और पैमाने पर मानक स्तर की नहीं होती है, इसके लिए संगठन कोई प्रयास करे? इसके लिए हमारा संगठन पूरी तरह से साथ है प्रशासन का, वो हर चीज़ में पूरे मानक स्तर करने के लिए तैयार रहता है। इसके अलावा भी यदि ये जो राशि है बीमा की वो ज़्यादा है तो पालक से हम इतना वसूल नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं विद्यालय को ही वो पेमेंट देना होता है। तो और RTO साहब से भी हम यही निवेदन करते हैं कि एक तय सीमा में तय कर दे कि इतना पैसा आप लेंगे जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।